नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है। जिला कोर्ट ने 1991 के आदि विश्वेश्वर केस मामले की सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एएसआई को निर्देश दिया है। 19 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। आपको बता दें, 19 दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट ने 1991 लॉर्ड विश्वेश्वर 610 बनाम 1991 पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था और अब इस रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए 19 जनवरी तक का वक्त दिया गया है एएसआई टीम को। इससे पहले एएसआई की टीम ने ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट दाखिल की थी और उस सर्वे को सार्वजनिक न किए जाने की अपील भी दाखिल की है। इस बीच 1991 को लेकर जो रिपोर्ट दाखिल करनी है आदि विश्वेश्वर केस में, इस रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए 19 जनवरी तक का वक्त एएसआई को मिला है। मेरठ में विवादित भूमि पर निर्माण को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। लोगों ने बुलडोजर को भी निशाना बनाया। सरधना इलाके का ये मामला है। पथराव में 6 लोगों को चोट पहुंची है। पथराव की सूचना पर एसडीएम समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद इस वक्त। आपको बता दें, यहां पर एसडीएम की टीम पहुंची थी। इससे पहले यहां पर इलाके के लोगों ने पथराव किया था। दो पक्षों के बीच विवाद का ये मामला है। भूमि पर निर्माण को लेकर विवाद की शुरुआत हुई। बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर निर्माण की शुरुआत एक पक्ष ने की थी, वो जमीन विवादित है और इसी बात को लेकर दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया। मामला सरधना इलाके का है। 6 लोगों को चोट पहुंची है। कन्नौज में पुलिसकर्मी के हत्या के आरोपी पर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। पुलिस आरोपी हिस्ट्री शीटर के घर को जमींदोज कर दिया गया। हिस्ट्री शीटर अशोक उर्फ मुन्ना यादव के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। आरोपी अशोक का मकान बिना नक्शा पास कराए ही बना था। पुलिसकर्मी को गोली मारने का आरोपी है अशोक और उसका एक बेटा पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के धरनी धीरपुर नगरिया गांव में बुलडोजर एक्शन हुआ है। मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसे मौके से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। मुठभेड़ में ये और इसका बेटा दोनों पैर में गोली लगने से घायल हो गए थे। दोनों जेल में। जो मकान है इसका, ये गांव जाने वाले रास्ते पर है और ये किले नुमा बना हुआ था, जो आवास के लिए नहीं इस्तेमाल होता था। यहाँ पर ये अपराधी ठहरते थे और पूरा मकान आप लोग देखा होगा गिरने से पहले, तो इसमें तमाम इस तरह के छेद थे जिसमें जिससे फायरिंग ये करता रहता था। और उस दिन भी इसने इसी मकान में आड़ लेकर, जो बंकर नुमा मकान था, वहाँ पर चढ़कर फायरिंग की थी इसने। इस समय हम खड़े हैं धरनी धीरपुर नगरिया गांव में। यह गांव जो है अभी 25 दिसंबर को चर्चा में आया था, जब इस गांव में पुलिस की टीम तब इस दिन आई थी। ये मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये मकान है अशोक उर्फ मुन्ना यादव का। इस घर पर पुलिस की टीम दबिश देने आई थी। जो टीम दबिश देने आई थी उस टीम पर अशोक उर्फ मुन्ना यादव के द्वारा हमला कर दिया गया था और उसमें एक जवान शहीद हो गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। इस ये जो घर है, पुलिस के द्वारा बताया गया कि इस घर से, यहाँ से जो है आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। अशोक उर्फ मुन्ना यादव यहाँ से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता था और इस लेकर पुलिस ने कार्रवाई की। और मजिस्ट्रेट अभी कुछ देर पहले यहाँ मजिस्ट्रेट पहुँचे थे और उन्होंने कार्रवाई करते हुए इस 3 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया। लोकेश दुबे, न्यूज 18, कन्नौज। खबर कन्नौज से है। सपा नेता जय कुमार तिवारी उर्फ बहू अन के घर पर जीएसटी ने छापेमारी की। अखिलेश यादव के करीबी बताए जा रहे हैं सपा नेता बहू अन तिवारी। जीएसटी और पुलिस टीम सपा नेता जय कुमार तिवारी के घर मौजूद है। कन्नौज के कुतुलपुर में है सपा नेता जय कुमार तिवारी का घर।
जौनपुर के जलालपुर थाना इलाके में बदमाशों ने क्लिनिक में सो रहे डॉक्टर तिलकधारी पटेल को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और फरार हो गया बदमाश। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा। जलालपुर चौराहे के पास मड़ियाहू रोड का ये मामला है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच की शुरुआत कर दी है। अंतर्गत जलालपुर चौराहे पे गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पे पुलिस के द्वारा जांच करने पे ये तथ्य प्रकाश में आया कि साई क्लिनिक के प्रबंधक डॉक्टर टीडी पटेल अपने कमरे में सो रहे थे, जहां पे तीन अज्ञात बदमाशों के द्वारा उन्हें गोली मारी गई। घायल अवस्था में उनका उपचार हेतु तत्काल जिला अस्पताल जौनपुर में रवाना किया गया, जहां पे डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पे अभियोग पंजीकृत किया गया है व अज्ञात बदमाशों के गिरफ्तारी के लिए टीम गठित करके विधिक कार्रवाई की जाए। अमेठी में घर के बाहर बैठे युवक पर गांव के ही दबंग ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घायल युवक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां स्थिति गंभीर होने पर उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि घायल युवक और आरोपी दोनों हिस्ट्री शीटर हैं और दोनों पर कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र के करपिया गाँव का है। गांव के कुछ लोगों द्वारा बादल नाम के एक व्यक्ति को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए भेजा गया। घायल के परिजनों की तहरीर पर तीन लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। टीमें बनाकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। झांसी में अपने दोस्त को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या करने वाले हत्यारोपी चिंटू को पुलिस ने 12 दिन बाद एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। इस मुठभेड़ में हत्यारोपी के पैर में गोली लगी। गोली लगने पर चिंटू पुलिस से रहम की गुहार लगाने लगा। पुलिस से बार बार माफी मांग रहा था। आरोपी पुलिस से बचने के लिए जंगल में छिप रहा था। 22 दिसंबर को सरकार सकरार थाना क्षेत्र में चिंटू ने अपने दोस्त की हत्या की थी। थाना क्षेत्र सकरार कि जामन के जंगल में राम प्रसाद उर्फ पतई की कुल्हाड़ी से मारकर उन्हीं के दोस्त चिंटू उर्फ चिंतावन ने हत्या कर दी थी। इस पे पीड़ित पक्ष से तहरीर लेकर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके लगातार जो आरोपी है चिंटू उर्फ चिंतावन, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई थी। आज थाना जज सकरार श्रीमती नीलेश कुमारी को सूचना मिली कि जामन के जंगल से होकर अपनी हार पे जाना है। इस पे उसकी घेराबंदी की गई। अपने को घिरता देख चिंटू उर्फ चिंतावन ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जिस जवाबी फायरिंग में चिंटू उर्फ चिंतावन को गोली लगी। घायल को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर में शराब के नशे में धुत भतीजे ने मामूली कहासुनी के दौरान सगे चाचा की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजन की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। महाराजगंज थाना क्षेत्र के उमरे खुर्द गांव में मामूली विवाद को लेकर लड़ाई की शुरुआत हुई थी। शराब के नशे में धुत कलयुगी भतीजे ने अपने सगे चाचा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। लहूलुहान स्थिति में घायल को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बीती रात थाना महाराजगंज अंतर्गत उमरी कला गांव में सुनील शर्मा नाम का व्यक्ति अपने सगे चाचा जयप्रकाश शर्मा को एक मामूली वाद विवाद के दौरान कुल्हाड़ी से उनके ऊपर वार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सीएससी बदलापुर ले जाने पर उनकी मृत्यु घोषित हुई। इस प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। और अगली खबर आगरा से। आगरा में एक चोरी का अनोखा मामला सामने आया। दुकान के अंदर चोरों को जब कुछ नहीं मिला तो चोर गुटखा और सिगरेट की चोरी कर ले गए। दुकान के ताले भी चोर अपने साथ ले गए। पुलिस अब इन चोरों की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है। मामला थाना सदर बाजार के सोहल्ला गांव का है। लगभग 20,000 रुपए का सामान चोरी हुआ है। लेकिन मैं घर से आ गया सुबह टहलने के लिए 5:30 बजे के लगभग, और मैंने देखा तो मेरी दुकान के ताले टूटे हुए थे। अच्छा। मैंने खोल के देखा तो उसमें से सामान गायब था, पैसे सिक्के और गुटखे और सिगरेट। लगभग कितने की चोरी होगी? लगभग 20,000 रुपए की।
उधर झांसी में एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां एक महिला अपने पति के शव के साथ ट्रेन में 13 घंटे तक सफर करती रही। अहमदाबाद से चलकर अयोध्या जा रही पत्नी और बच्चों के साथ सफर में पति की अचानक ही मौत हो गई थी। जब इसकी जानकारी पत्नी को हुई तो उसने ट्रेन में किसी को बिना बताए पति के शव से लिपट कर वो रोती रही और जब झांसी पहुंची तो उसके शव को उतारा गया, जिसे देख सफर कर रहे सभी यात्री भी दंग रह गए। जी शायद मैं घबरा रही थी तो बोल नहीं रहे थे। उसके बाद मैं देखी क्या हुआ क्या नहीं, शरीर गर्म थी, मैं कुछ समझ नहीं पाई। लगभग 12 घंटे आपने ट्रेन में रात काटी। हाँ, मैं बुला रही थी लेकिन बोल ही नहीं रहे थे। नहीं, ट्रेन में सीट पे लेटे थे तो मैं सोची लग हो रहा हूँ, चाय वाय पी ले, पानी तो बोल ही नहीं रहे थे। शाहजहांपुर में पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश मोहम्मद फैज और उसके साथी को गिरफ्तार किया। मोहम्मद फैज के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और बरेली से चुराई गई बाइक बरामद की है। बदमाश मोहम्मद फैज बरेली का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। थाना रामचंद्र मिशन और एसओजी टीम द्वारा जनथाने में कायम गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त मोहम्मद फैज पुत्र नूर हसन, उसके साथ ही सुभान पुत्र ताहिर के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर 15,000 का इनाम था। इनके पास एक मोटरसाइकिल प्राप्त हुई जिसको उन्होंने दिल्ली से चोरी किया रखता है। इससे पहले भी एक चोरी था मोटरसाइकिल, थाना कार्ड दाखिल थी, इसको उन्होंने द्वारा चोरी किया जाना बताया है। इनको गिरफ्तार किया गया, चलान न्यायालय किया गया, इनसे पूछताछ जानकारी है, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। यूपी में शहर शहर ऑपरेशन क्लीन जारी है। इटावा में पुलिस ने कुख्यात अपराधी सतीश गुर्जर को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। गुर्जर के पैर में गोली लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रामपुर में भी पुलिस और गौ तस्कर के बीच एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने गौ तस्कर भूरा उर्फ लंगड़ा को गिरफ्तार किया है। सीतापुर में भी मुठभेड़ हुई है, पुलिस और पशु तस्कर के बीच एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बिट्टन अली गोली लगने से जख्मी हो गया। एनकाउंटर की 3 तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर अमरोहा से, एनकाउंटर में बदमाश सलमान गिरफ्तार किया गया। दूसरे समुदाय की लड़कियों का अश्लील वीडियो बनाकर ये वायरल करता था और धमकी देता था। इसी आरोप में सलमान एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया। पुलिस चेकिंग कर रही थी और उसी दौरान सलमान और उसके साथी के साथ एनकाउंटर हो गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। थाना गजरौला के तिगरी गंगा मार्ग पर मुठभेड़ हुई है। दोनों बदमाश दिल्ली भागने की फिराक में थे। इसाक पर काबू पाया गया। वहीं दिल्ली के एम्स में टीचिंग ब्लॉक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग से फर्नीचर और रिकॉर्ड्स दस्तावेज जलकर खाक हो गए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बुलंदशहर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिकंदराबाद में कबाड़ के खुले गोदाम में भीषण आग लग गई, लाखों का कबाड़ जल गया। आग की 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, आगरा, दिल्ली और बुलंदशहर, जहां पर आग से नुकसान हुआ। लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा हुआ। ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से प्राइवेट बस ने जोरदार टक्कर मार दी। एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 8 लोग जख्मी हुए। इन 8 लोगों में से 3 की हालत नाजुक है। यात्रियों से भरी डग्गा मार बस पंजाब से बहराइच जा रही थी। घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ। मेघासन पालिया रोड पर मजगई थाने की यह घटना है। इधर अम्बेडकर नगर में आधी रात घर के भीतर अजगर घुसने से हड़कंप मच गया। घर में सो रहे परिवार के लोग दहशत में आ गए। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने अजगर को ड्रम में रखा। लोगों की सूचना पर गांव पहुंची वन विभाग की टीम अजगर को अपने साथ ले गई। भीटी थाना क्षेत्र के चंदापुर गांव का ये मामला है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर पहली बार वंदे भारत ट्रेन पहुंची और इस दौरान यात्रियों ने वंदे भारत को लेकर खुशी जताई। दोपहर 3:45 पर वंदे भारत ट्रेन
दिल्ली के लिए रवाना हो गई। ये ट्रेन सुल्तानपुर वाया लखनऊ होते हुए आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिसंबर को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी और आज इस वंदे भारत ट्रेन का संचालन विधिवत अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन शुरू हो रहा है। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वंदे भारत ट्रेन यात्रा कर रहे हैं, किस तरह से इनमें सुविधाएं हैं। भाई साहब, आप इस ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? अभी तो आज पहला ही दिन है आज तो यात्रा करने का, तो देखिए अभी क्या होता है। नहीं, पीएम मोदी ने इसको हरी झंडी दिखाई थी और आज विधिवत का संचालन शुरू हो रहा है, तो क्या कहेंगे सरकार किस तरह से काम कर रही है? तेजी से कर रही है, फास्ट कर रही है। हमारे साथ कुछ और भी यात्री हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आज इसका संचालन शुरू हो रहा है, पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी 3 दिसंबर को, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नरेंद्र मोदी और योगीनाथ जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। इस ट्रेन के सौगात मिला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम समय में दिल्ली पहुंचना है, माता वैष्णो देवी के भी दर्शन करना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस ट्रेन की यात्री बहुत ही खुश हैं, भाई साहब भी उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे इस ट्रेन को लेकर? इस ट्रेन को लेकर कहूँगा बहुत अच्छी है, बहुत कम समय में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे और हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये चलाई गई ट्रेन बहुत बढ़िया है, हम लोग को बहुत कम समय में हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे। मैडम, आज आप पहली बार इस ट्रेन से यात्रा कर रही हैं, क्या कहेंगी? पहली बात तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को नमस्कार कहना चाहती हूं और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूं कि हम लोगों के लिए, हम यात्रियों के लिए इतनी अच्छी सुविधा किए हैं और बहुत कम समय में हमें जो है, बहुत कम समय यानी क्या, 8 घंटे 9 घंटे तो लगने ही हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल इस ट्रेन को 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई थी और आज इसका विधिवत संचालन अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से शुरू हो चुका है। ब्यूरो जर्नलिस्ट गोपी के साथ केवी शुक्ला, न्यूज 18 अयोध्या।